मूवी की शुरुआत एक ट्रक को दिखाते हुए होती है जिसे एक चेकिंग पॉइंट पर रोककर सैनिटाइज किया जाता है। तब वो ट्रक ड्राइवर वहाँ के कर्मचारियों से पूछता है कि आप इस तरह ट्रक को सैनिटाइज क्यों कर रहे हैं। तब वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक पास की फैक्ट्री में लीकेज हो गया था जिसकी वजह से सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब वो ट्रक आगे की ओर निकल जाता है जहाँ पर रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर का फोन रिंग करता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है उसी वक्त ट्रक के साथ एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी से नीचे उतरता है और हिरण को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हिरण अभी जिंदा होता है और जब वो वापस खड़ा होता है तो उसका नेचर काफी बदल जाता है। अब हमारी मुलाकात एक सियोक नाम के आदमी से होती है जिसका कुछ महीनों पहले ही अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था। अब उसके साथ उसकी बेटी रहती है जिसका नाम सुयान होता है। दरअसल सियोक एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर होता है जिसकी वजह से वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहता है कि अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाता है। और आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है इसलिए सियोक उसके लिए गिफ्ट ले जाता है, लेकिन स्ट्रेस और काम की वजह से उसे ये भी याद नहीं रहता है कि जो गिफ्ट वो उसके लिए लाया है उसी तरह का गिफ्ट वो उससे क्रिसमस पर दे चुका है, इसलिए वो अपनी बेटी को सॉरी कहता है। तब वो कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ जो कि उनसे अलग बुसान शहर में रहती है, लेकिन हाल ही में उन दोनों का डिवोर्स हुआ था इसलिए सियोक उससे ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर बुसान ले जाने के लिए राजी हो जाता है। और अगले दिन वो अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर ट्रेन से अपनी बेटी के साथ बुसान की ओर निकल जाता है। उस ट्रेन की एक बोगी में हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी एक बेसबॉल मैच को अटेंड करने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक जेनी नाम की खूबसूरत लड़की होती है जो कि सब लड़कों की कर्स होती है, लेकिन वो खुद एक योंगुक नाम के लड़के से प्यार करती है। उसी ट्रेन में एक कपल भी होता है जिसमें आदमी का नाम सेंगा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जुंगमी होती है। अब ट्रेन के ठीक रवाना होने से पहले उसमें एक लड़की चढ़ती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसी वक्त उसे एक असिस्टेंट देख लेती है जो उसकी ये हालत देख ट्रेन की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती है, मगर तभी वो लड़की पूरी तरह से जॉम्बी बन जाती है जिसे देखकर वो असिस्टेंट डर जाती है और वहां से भागते हुए उन प्लेयर्स की बोगी में चली जाती है, मगर तभी वो जॉम्बी उस पर अटैक करके उसे काट देती है। सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर डर जाते हैं मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी वो असिस्टेंट भी जॉम्बी बन जाती है और वो दोनों मिलकर उन सभी लड़कों पर अटैक कर देती है। हालात बेकाबू होता देखकर एक असिस्टेंट आगे के सभी लोगों को अपनी बोगी छोड़ने के लिए कहता है और अब सभी लोग भागने लगते हैं जिससे ट्रेन में काफी भगदड़ मच जाती है। असल में ये जॉम्बी वायरस शहरी इलाकों में कुछ घंटों पहले ही फैल चुका था, मगर ट्रेन के सभी लोग अभी तक इस बात से बेखबर होते हैं। अब जॉम्बियों की भीड़ ट्रेन में आगे की ओर बढ़ने लगती है, इसलिए सियोक अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है। जो लोग सुरक्षित बच गए थे वो सभी आगे की बोगी में जाकर बीच का डोर बंद कर देते हैं। वो जॉम्बी इंसानों को देखकर भड़कने लगते हैं इसलिए वो लोग कांच के ऊपर पेपर चिपका देते हैं जिससे वो सभी जॉम्बी शांत हो जाते हैं। अब ट्रेन का कैप्टन रेडियो से अनाउंस करता है कि ट्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से इसे अगले स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा, इसलिए सभी लोग फिर से सीट पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त सुयोग को अपनी माँ का कॉल आता है जो उससे बात करते करते ही जॉम्बियों का शिकार हो जाती है, इसलिए सुयोग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे जॉम्बी होते हैं, इसलिए ट्रेन को लगातार नॉन स्टॉप रखा जाता है। दरअसल पूरा शहर इस वायरस का शिकार हो चुका था जिसकी वजह से मिलिट्री और गवर्नमेंट दोनों पीछे हट जाती है। अब ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन डेजियन होगा जहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री पहले से तैनात है। ये बात सुनकर सुयोग अपने एक दोस्त को फोन करता है जो बताता है कि तुम सब लोगों को वहाँ पर उतरते ही क्वारंटाइन कर लिया जाएगा, इसलिए सुयोग उसके साथ एक डील करके अपने निकलने का जुगाड़ कर लेता है। जब ट्रेन डेजियन स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है और स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतरने लगते हैं। अब जब सभी लोग स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं उसी वक्त सुयोग अपने दोस्त के बताए गए गेट की ओर चला जाता है। बाकी सभी लोग जब सीढ़ियों से नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक अब जॉम्बी बन चुके हैं जो सभी उन लोगों को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए जिंदा बचे लोग अपनी जान बचाते हुए वापस भागने लगते हैं। दूसरी ओर सुयोग सुयान को एक जगह पर खड़ा करके खुद आगे जाता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं जिन्हें देखकर सुयोग वापस अपनी बेटी की ओर दौड़ता है। तब तक सेंगा उसे अपनी वाइफ के साथ अंदर की ओर भेज देता है। लेडीज और बच्चों को वो सभी ट्रेन में भेज देते हैं और खुद उन जॉम्बियों को रोक कर रखते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाते हैं और सुयोग समेत सभी लोग किसी तरह भागते हुए वापस ट्रेन में आ जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग अलग अलग बोगियों में रह जाते हैं जहाँ एक और सुयान और जुंगमी एक भिखारी और ओल्ड लेडी के साथ एक वॉशरूम में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुयोग सेंगा और योंगुक एक अलग बोगी में होते हैं। जुंगमी सेंगा को कॉल कर हेल्प के लिए बुलाती है क्योंकि उन लोगों पर जॉम्बी अटैक कर देते हैं जो कि बोगी नंबर 13 में फंसे होते हैं और बाकी सभी लोग बोगी नंबर 15 में होते हैं, इसलिए वो तीनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और जॉम्बियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में एंटर करती है, तब उन्हें पता चलता है कि जॉम्बी अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे बोगी नंबर 13 में चले जाते हैं जहां से वो उन सभी को लेकर बोगी नंबर 15 की ओर निकल जाते हैं। लेकिन टनल के खत्म होने के कारण वो
जॉन भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब सेंगा उन्हें एक दरवाजे पर रोके रखता है और बाकी लोगों को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन 15 नंबर बॉगी का दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था, इसलिए योंगुक अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को कॉल करता है। तब हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट जेनी की आवाज को रोक लेता है। दरअसल बॉगी नंबर 15 में योनसुक नाम का एक सेल्फिश आदमी होता है जो उन लोगों को अंदर आने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। लेकिन तब सेंगा और सुयोग जोमियो को रोके रखते हैं और योंगुक उस दरवाजे को तोड़ देता है। दूसरी ओर सेंगा को एक जॉम्बी काट लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो भी बहुत जल्द अब एक जॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो सुयोग को अपनी बीवी को लेकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। सेंगा अपनी बीवी को आखिरी बार अलविदा कहते हुए अपनी होने वाली बच्ची का नाम सेला रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो जॉम्बी उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से काट देते हैं। तब तक सुयोग और जुम्मी दूसरी बोगी में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उन सबके साथ वाली एक ओल्ड लेडी जॉम्बियों का शिकार बन जाती है। अब सुयोग योनसुक को बहुत ज्यादा डांटता है क्योंकि उसी ने गेट नहीं खोला था, जिसकी वजह से वो दोनों मार गए थे। लेकिन योनसुक दूसरे लोगों को सुयोग की ओर भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं, इसलिए इन सभी को अगली बोगी में भेज दिया जाता है। उस वक्त योंगुक के साथ जेनी भी चली जाती है। पीछे उस ओल्ड लेडी की सिस्टर अपनी सिस्टर की मौत के कारण सदमे में होती है, इसलिए वो उस गेट को खोल देती है और सारे जॉम्बी बाकी लोगों पर अटैक कर उन्हें मार देते हैं। लेकिन उस हमले में योनसुक एक असिस्टेंट के साथ वॉशरूम में छिपकर बच जाता है। दूसरी ओर कैप्टन बुसान स्टेशन के कंट्रोल सेंटर में कॉल करता है, क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि बुसान स्टेशन अभी तक इस वायरस से सेफ है। लेकिन जब वो आगे जाता है तो वहां का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए कैप्टन अनाउंस करता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से हम इस ट्रेन को बुसान तक नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं लेफ्ट साइड की ट्रेन को स्टार्ट करने वाला हूं और जो भी लोग इस अनाउंस को सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उस ट्रेन तक पहुंचे। अब कैप्टन बाहर निकलकर एक दूसरे इंजन में जाकर उसे स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी ओर सुयोग और बाकी सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन योनसुक और वो असिस्टेंट अभी तक उस वॉशरूम में फंसे हुए थे, जहां पर योनसुक उसके साथ धोखा करके खुद वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर कैप्टन इंजन को बाहर लाता है, तब वो देखता है कि एक ट्रेन जलते हुए तेजी से उसी ट्रैक पे उसके सामने आ रही है और अचानक से उन दोनों की भयानक टक्कर हो जाती है और उस हादसे में सिर्फ जेनी और योंगुक ही सुरक्षित बचते हैं, इसलिए वो दोनों भागते हुए दूसरी ट्रेन में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका डोर लॉक होने की वजह से योंगुक दरवाजे को नहीं खोल पाता है। उसी वक्त योनसुक वहां पर आ जाता है, जो जेनी को जॉम्बी की ओर फेंक देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अपनी प्रेमिका को मरता देख योंगुक बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन तभी जेनी उसे भी काट कर जॉम्बी बना देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो चारों किसी तरह उस हादसे में जिंदा बचाते हैं, साथ ही कैप्टन भी जिंदा होता है, जो कि एक दूसरे इंजन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे योनसुक भागते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन योनसुक अभी तक अपना हैवानी रूप दिखाता है और उस कैप्टन को मरने के लिए छोड़ खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर उन सभी पर जॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भिखारी उन तीनों के लिए अपनी कुर्बानी देकर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल देता है, मगर अब उनके पीछे जॉम्बियों की एक बहुत बड़ी भीड़ पड़ जाती है। लेकिन वो तीनों किसी तरह भागते हुए इंजन पर चढ़ जाते हैं, मगर बहुत सारे जॉम्बी ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन धीमे होने लगती है। इसलिए सुयोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अब वो तीनों उस इंजन के साथ बुसान की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी योनसुक कैबिन से बाहर निकलता है, जो कि अब इन्फेक्टेड होता है, और वो सुयोग से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। तब सुयोग कहता है कि तुम अब इन्फेक्टेड हो चुके हो। तभी वो सुयोग पर अटैक कर देता है। सुयोग उसे नीचे गिराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके हाथ को काट देता है, मगर किसी तरह सुयोग उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब सुयोग समझ जाता है कि वो बहुत जल्द एक जॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो उन दोनों को कैबिन में ले जाता है और जुम्मी को ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम समझाता है, ताकि वो बुसान पहुंचने पर ट्रेन को रोक सके। अब सुयोग को अलविदा कहने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने डैडी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए सुयोग रोते हुए केबिन से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन अब वायरस उस पर हावी होने लगता है, इसलिए वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ट्रेन के आगे जाने पर रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए वो दोनों नीचे उतरकर टनल की ओर जाने लगती है। टनल के दूसरी ओर हम दो सैनिकों को देखते हैं, जो उन दोनों को देखकर अपने कैप्टन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब कैप्टन उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है, इसलिए शूटर अपनी स्नाइपर को चलाने वाला ही होता है कि उससे किसी के गाने की आवाज आती है और वो गाना सुयोग अपने डैडी के लिए गा रही थी। उसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो दोनों जिंदा इंसान हैं और इस तरह उन दोनों की जिंदगी बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें नए वीडियोस बनाने की उम्मीद देता है। तो आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।